तो क्लोरीन एक आइसोटोप है और उसके दो एटॉमिक मास हैं और उसकी परसेंटेज भी आपको गिवन है, तो हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल एवरेज एटॉमिक मास ठीक है इक्वल टू, तो इसका पहले का कितना है 35, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 75% यानी 75/100 प्लस दूसरा कितना 37, देन इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 25%, परसेंटेज आपको गिवन है क्लियर, देन आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 2625 आ जाएगा अपॉन में 100 और यहाँ करोगे आप तो 925 आ जाएगा अपॉन में 100, दोनों का एलसीएम लेना सेम है बिल्कुल, तो ऊपर दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3550, देन आप 100 से डिवाइड करोगे प्लस जीरो काट दो एक अंक का पॉइंट लग जाएगा 35.5, तो एवरेज मार्क्स होगा क्लोरीन का वो होगा इतना क्लियर।